हैंड जेस्चर ध्रुव राठी का, थंबनेल क्लिकबेट एलिगेशंस और पागलपन वो शायद जोन वर्क के साथ फ्री आता है कि मेरी मेरे से गलती हो गई। यस, आज हम बात करने वाले हैं पायल जोन के बारे में। हेलो गाइस, मूड स्विंग्स की डेफिनेशन है पायल जोन। 3 हफ्ते पहले अब ट्रिगर्ड इंसान से लड़ाई खत्म। माय रिप्लाई टू ट्रिगर्ड इंसान तुम झूठे हो। फाइनली कोलैब विद ट्रिगर्ड इंसान 6 दिन पहले। आज मेरी लाइफ का लास्ट डे है @ट्रिगर्ड इंसान एंड सौरभ जोशी व्लॉग्स। फिर 18 घंटे पहले आई गॉट @ट्रिगर्ड इंसान टैटू टू सी हिज रिएक्शन। बेचारी डिसाइड ही नहीं कर पाती दोस्ती करनी है दुश्मनी करनी की, बस व्यूज छापने। इंडियन यूट्यूब का सर्वर ना भाई बहन के वीडियो से इतना नहीं भरा जितना पायल जोन ने अपने चैनल पे सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान को भर रखा है। इतने हाथ से ना सीरियल की बहुओं के साथ 10 साल में नहीं होते जितने पायल जोन के साथ 1 हफ्ते में हो जाते हैं। तुम्हें पता है पायल जोन को सौरभ जोशी की वजह से क्या क्या झेलना पड़ा? ये देखो पूरी लिस्ट है। दोनों आंखें चली गई पायल की, कॉल पे सौरभ ने गाली दी है पायल को, करियर एंड हो गया पायल का, गंजी हो गई पायल, उसकी बहन को सांप ने काट लिया। ऑफकोर्स क्योंकि सौरभ जोशी जो है वो सांपों को कंट्रोल कर पाता है, सो ऑफकोर्स उसने सांप भेजा होगा। एंड बहन को मारने की धमकी दी है उसने, उसने पायल की एक टांग काट दी, उसने पायल को कैंसर दे दिया और जोशी ने पायल की नाक काट दी, घर जला दिया, उसकी वजह से उसकी दादी की डेथ हो गई, उसको वो अपना एक्स बोल देती है, आंखें पैर इल्ज़ाम बहुत सारे जितने हो सकते हैं सब उसी पे लगा देती है, कभी कभार फ्लाइंग बीस्ट पे भी आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सौरभ जोशी ने मेरा मुंह सिल दिया है, आपको मेरी आवाज़ कानों से आ रही है, कान से मैं आवाज़ निकाल सकती हूँ, अच्छा हुआ कि मैं सीख चुकी थी, वरना मैं पहले बहरी हो गई थी फिर मैं ठीक हो गई, मैं गंजे हो गई थी फिर मैं ठीक हो गई, अब मेरा मुंह सिल गया है तो मैं अगले वीडियो तक मैं मुँह भी खुल जाएगा मेरा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। पर बहुत गलत है दोस्तों, बहुत गलत है आजकल की दुनिया में ये, आप ये थोड़ी सही बात है कि आपके ऊपर किसी ने वीडियो बना दिया तो आप उसका मुँह सिल दो, ऐसा थोड़ी होना चाहिए दोस्तों। तो आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बस इतना ही बताना था आपको, नमस्ते। और आजकल पायल जोन व्लॉग भी बहुत ज़्यादा करती है, लोगों के पुराने व्लॉग्स को उठा के वॉइस ओवर करके फेक। ये कह रहे हैं गाइस ट्रिगर्ड इंसान सामने से आते हुए दिख गए, मतलब ओ माय गॉड भरोसा। चलो फिलहाल एटलीस्ट वो लोगों को मार तो नहीं रही है फॉर अ चेंज। आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, ट्रिगर्ड इंसान, बेबी क्वीन और दीक्षु, बस इसने अभी रिसेंटली प्रगति वर्मा मारी अभी 3 दिन पहले और ये बस यही रह गई है। मुझे यहाँ बैठ के इतना सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ, उसके लिए रिसर्च करूँ, कैसी स्क्रिप्ट लिखूँ कि इंगेजिंग रहे, लोग व्यूज़ दे देखे वीडियो को, उसके बाद भी कुछ ढंग का हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पर यूट्यूब में एक महिला है जो बस 3-4 लोगों का नाम लेके बैठ जाती है और शुरू कर देती है जो भी बिना सांस लिए बोलना। सुशी, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुमने ठगेश की वीडियो पे जो उसने मेरे लिए बनाई थी मेरे से जुड़ा हुआ कमेंट कैसे? टोटल 8 से 12 मिनट की कैपेसिटी है मैडम की बिना सांस लिए बोलने की और सेम चीज को आगे पीछे पीछे आगे पीछे पीछे आगे बस इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कोई मजाक या प्रैंक नहीं है और हमने सच में लीगल एक्शन लिया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगी भी तो साइड में बहुत छोटा छोटा दिखेगा और इंस्टाग्राम पे सही से दिख जाएगा, जूम भी करके देख सकते हो। तो वहाँ पे मैं दिमाग अपनी पिछली बातों को प्रोसेस करके डाइजेस्ट करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कुछ नया चमत्कारिक बोल देती है बिना सर पैर की बातें। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई मैंने सर्जरी करवा रखी है, ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी मैंने अपने फेस पे करवाई है। डॉक्टर्स ने भी अलाउ कर दिया है कि मैं जोर जोर से बोलकर अपनी यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ। बस कर पायल, बस कर, कितना रेगुलर बोलेगी, थोड़ा सांस ले लो यार, सांस अंदर सांस बाहर, योगा करा करो, थोड़ा प्रैक्टिस होगी सांस लेने और छोड़ने की, यार चिल कर थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पागल जोन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया, आपको पता चल गया, बाहर टाइटल में भी लिखा है, थंबनेल में भी लिखा है, यहाँ पर भी लिख दिया, लेकिन फिर भी 8 से 12 मिनट आपको मैं बताऊंगी। एक्चुअली ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ है, बहुत ज्यादा गलत किया हुआ है, इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाते हैं इनसे सहम नहीं होता। आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरे घर का पूरा राशन खत्म कर दिया इन लोगों ने। ट्रिगर्ड इंसान मेरे घर है, मैंने आपको बताया था, उनके साथ मैंने वेब सीरीज शूट करी है। 10 मिनट हो गया और अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि मेरे हाथ के ये जो फिंगर नेल्स हैं इसका ऊपर का नेल जो है टूट गया है, ये टूटा है सौरभ जोशी की वजह से। सौरभ जोशी ने आके मेरा जो नाखून वो ऐसे खींच लिया और उसकी वजह से मेरे पास आज नाखून यहाँ पर नहीं है। इल्ज़ाम लगाया कि आपने इनकी नाक काट दी है। सबसे पहली बात तो ये है कौन? ब्रा, 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 ब्रा। आप इनको नहीं जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता।
जैसे आपको दिख रहा होगा नहीं है यहाँ पर, अगले वीडियो में भी आपको दिख जाएगा कि नहीं है। गंजी हो गई वो। हाँ। अगली वीडियो में बाल कहाँ से आ गए? अगली वीडियो में बाल कैसे आए? वो भी तो तुम्हारी गलती है। जहाँ ऐसे तो भाई यहाँ पर तूने उसकी नाक तोड़ दी, अगली वीडियो में उसकी नाक वापस आ गई। क्योंकि गाइस मैं एक्शन भी ले सकती हूँ बट मैं एक्शन लेती नहीं हूँ। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती हूँ क्योंकि मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन करना चाहती भी नहीं हूँ और कर सकती भी नहीं हूँ। अच्छा है कि ये लोग नहीं कर रहे मुझ पर कोई कार्रवाई, लेकिन ठीक है। इस वीडियो में तूने उसका मुंह जला दिया, अगली वीडियो में उसका मुंह भी वापस ठीक हो गया। इस वीडियो में एसिड भाई, ये मेरे फेस पर एसिड डाला। ये एसिड डालना ये तो बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है। सौरभ जोशी के अगेंस्ट अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस बनाई है, मैंने उनके ऊपर काफी सारी तरीके की बातें बोली है, लेकिन मैंने वो सारी वीडियोस मजाक में बनाई है। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसपे लोग भरोसा ही नहीं करेंगे, देखेंगे। सच कह रही हूँ मैं ये बोलती हूँ, लेकिन उसमें प्रैंक लिखा होता है। उसके बाद में चाहती हूँ कि आप समझे भी ना कि ये सच है, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चले जाओ, आप खुद ही समझ सकते हैं, आप समझदार है दोस्तों। मैं ये मानती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आते हैं आप समझदार ही हो सकते हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आते हैं। मेरे चैनल पे आने वाला हर इंसान समझदार है, क्योंकि मैं इतनी समझदार हूँ। मैंने बोर्ड यूज़ किया है, हर वीडियो मैंने बोर्ड यूज़ किया है, मार्कर से लिखा है बकायदा हर चीज़ को। तो आपको मैं लिखाती पढ़ाती समझाती सब कुछ हूँ, ठीक है। और बिना सांस लिए मैं इतना अच्छा बोल लेती हूँ, इतना अच्छा बोल लेती हूँ, मेरे को पता है मैं अच्छा बोल लेती हूँ। और आप जो है इतना सुन लेते हैं क्योंकि आपके पास टाइम और डेटा दोनों बहुत ज़्यादा है। ना आप थोड़ा सीरियसली बात कर रहे थे, पायल जोन के साथ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? ना देखो, ये तो कॉमन फैक्ट है कि यूट्यूब पे हर यूट्यूबर व्यूज़ कमाने की कोशिश करेगा, क्लिक बेट करेगा, कुछ और तरीके कंटेंट डालेगा, जैसा भी करे, बस उसको ऑडियंस बनानी होती है अपनी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पायल जोन के साथ बहुत ज़्यादा है। जैसे नंबर वन, कुछ जो वीडियोज़ हैं उसके वो लिमिट के कई गुना ऊपर चले जाते हैं। जैसे आपने जिस इंसान को कभी देखा नहीं है, मिले नहीं हो, उसकी एक इमेज है सोसाइटी में, जिसका नाम आप यूज़ कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम कि आपकी दादी को उसने मार दिया, आपका घर जला दिया, एसिड अटैक कर दिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे इसने अभी व्लॉग्स पर वॉइस ओवर करना शुरू किया, चलो ये भी थोड़ा कभी फनी लग जाता है, लेकिन अदर देन दैट जो एलिगेशन वाली इसकी वीडियो होती है, मुझे नहीं समझ में आता वो कौन से एंगल से वो क्रिंज है, वो फनी है, वो क्या है, क्योंकि वो सीधे सीधे एलिगेशंस हैं जो कि बिल्कुल गलत है, कभी नहीं होने चाहिए किसी के खिलाफ भी। क्योंकि कोई भी पर्सन है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है, या वो आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है अपने बारे में इतनी फेक न्यूज़ सुन के, प्लस जिसकी ऑलरेडी एक पब्लिक में इमेज है, आप उसका नाम लेके आप कुछ भी बोले जा रहे हो। फॉर पायल आई थिंक ये कभी किसी दिन ना ऐसे जा सकता है, ये आपको कहीं पहुंचाएगा तो नहीं बुलंदियों पर, लेकिन ये आपको नीचे ज़रूर ले जा सकता है, आपका यूट्यूब बंद हो सकता है इस चक्कर में, क्योंकि आप इतने फेक एलिगेशन फेक न्यूज़ फैला रहे हो किसी को लेकर। उसके बाद ये भी हो सकता है कि कोई सामने वाला जिसका किसी दिन आतंकवादी सटकली हो गया ना, तो उस दिन वो आपके ऊपर केस वेस फाइल कर दे। तो ये सबसे बचो, कोशिश करो कि थोड़ी पॉजिटिव वीडियो ही बनाओ। आँख चली गई, हाथ पैर चला गया, बहरी हो गई, ये सबसे थोड़ा दूर रहो। एंड वो ऑडियंस जिसको लगता है कि आप डिसलाइक दबा दोगे या नीचे कॉमेंट कर दोगे तो ये रुक जाएगी, नहीं ऐसा होना होता तो अभी तक हो जाता, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली इसे व्यूज़ दे रहे हो तो ये बनाती जाएगी। इन द एंड इसका इलाज आप और मैं तो नहीं कर सकते, हम बस इग्नोर कर सकते हैं। वो अगर हम कर दें तो शायद पृथ्वी संतुलित हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना, सब्सक्राइब जरूर करो, कोई नहीं कर रहा मेरा चैनल सब्सक्राइब, क्या हो रहा है ये, हाँ, और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सजेशंस देते रहना अपने अच्छे वीडियो टॉपिक से रिलेटेड, सी यू सून इन द वीडियोस, ओके बाय।